खाना चैनल। आज हम बनाएंगे भरमा बैंगन। भरमा बैंगन बनाने के लिए हमने ले लिए छोटे बैंगन। ये छोटे बैंगन को हमने इस तरीके से एक के चार काट लिए। इसको खोल के देख लेते हैं इस तरीके से कि कीड़े ना हो, इस तरीके से। तो ये कीड़े वाले नहीं है। इसी तरीके से हमने सारे बैंगन काट लिए। ये आधे किलो बैंगन, ये बड़े साइज के चार प्याज हमने काट लिए। 50 ग्राम हमने तेल ले लिया है। चार बड़ी हरी मिर्च हमने काट के रख ली। ये डेढ़ चम्मच अमचूर है, एक चम्मच लाल मिर्च है, एक चम्मच सौंफ है पिसी भी, डेढ़ चम्मच नमक है, डेढ़ चम्मच पिसा हुआ धनिया है, एक चम्मच हल्दी है, आधे चम्मच अजवाइन है, एक चुटकी गरम मसाला है, एक चुटकी जीरा है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है। अब हम गैस को चालू कर लेते हैं। ये तेल है 50 ग्राम, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक चुटकी जीरा डाल देते हैं, एक चुटकी अजवाइन है, ये बैंगन के अंदर जरूर डालनी चाहिए, इसका बादीपन मरता है। अब जीरा अजवाइन हमारा चटक गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। हम प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, आज हम तेज कर लेते हैं। भरमा बैंगन में प्याज थोड़ी ज्यादा डलती है, इसलिए हमने प्याज अच्छे से लिए, ज्यादा थी। चार बड़े साइज की प्याज लिए हमने, आधा किलो बैंगन। 5 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को, हल्का बादामी कलर हो जाएगा जब तक फ्राई करेंगे। प्याज भुन चुकी है हमारी, अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी डाल देते हैं, ये डेढ़ चम्मच पिसा हुआ धनिया है, ये भी डाल देते हैं, ये सौंफ है पिसी भी, ये भी एक चम्मच है, ये भी हम डाल देते हैं। इसको थोड़ा चला देते हैं। कटी हुई चार हरी मिर्चें, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें बैंगन डाल रहे हैं, कटी हुई बैंगन डाल रहे हैं। आंच को हमने हल्का रखा है, भी नहीं तो मसाला जल जाएगा। हम इसमें नमक डाल देते हैं, डेढ़ चम्मच नमक है, एक चम्मच पिसी भी लाल मिर्च है, ये भी डाल देते हैं, ये एक चुटकी गरम मसाला है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब बैंगन को चला देते हैं। अब भी इसी तरीके से बैंगन बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। सब कुछ घर में ही होता है, कुछ बाहर से लाना नहीं है, सिंपल से रहना है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के लिए हमने ढक दिया इसको। अब खोल कर देख लेते हैं हम अपनी सब्जी, इसको चला देते हैं। कम से कम 5 मिनट और लगेंगे हमारी सब्जी बनने में, इसलिए हम इसको और ढक कर पका देते हैं। फिर से ढक देंगे। ये सूखी सब्जी होती है तो इसको बीच बीच में चलाना पड़ता है। 5 मिनट बाद फिर हम इसको खोल कर देख लेंगे। हम कढ़ाई को खोल कर देखते हैं। इसी तरीके के बैंगन चाहिए हमें। ये अमचूर है डेढ़ चम्मच, ये हम इसमें डाल देते हैं। खट्टे खट्टे बैंगन अच्छे लगते हैं। अब इसको चला देंगे। इस बैंगन से आप पराठे, रोटी, चावल इस मजे से खा लीजिए। तैयार है हमारे बैंगन। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसको परोस लेते हैं।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।